नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक मंदिर हैं, जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। इन्हें देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। देश विदेश के बहुत से मंदिर अपनी मान्यताओं के साथ खूबसूरती के लिए भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सोने का बना हुआ है। भारत में बने इस मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल के आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं इस गोल्डन मंदिर के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर दक्षिण भारत में एक स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें इतने सोने का प्रयोग किया गया है जितना आज तक विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं हुआ है। यह मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर नगर में मलाईकोडी के पहाड़ों पर स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर रेलवे स्टेशन काठपाड़ी से बस 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल भर यह मंदिर भक्तों से ही भरा रहता है। इस मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ युवा सन्यासी शक्ति अम्मा का बताया जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का कारण सिर्फ माता लक्ष्मी ही नहीं है, बल्कि इस मंदिर का सोने से बनाया जाना भी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यह मंदिर 15,000 किलो सोने से बना है। यही कारण है कि इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की रचना वृत्ताकार है और बहुत ही भव्य है। यह 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ में हरियाली ही हरियाली है। 15,000 किलोग्राम शुद्ध सोने से बना यह मंदिर रात के वक्त रोशनी में और भी खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिर परिसर के बाहर की तरफ एक सरोवर बनाया गया है, जिसमें भारत की सभी मुख्य नदियों का पानी को लाया गया है। इस मंदिर को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक अभिषेक के लिए और सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर को और खूबसूरत बनाने के लिए इसके बाहरी क्षेत्र को सितारे का आकार दिया गया है। इस मंदिर को 400 सुनारों और कारीगरों ने 7 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं पर सोने की फाइल की 12 परतें चढ़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का इकलौता मंदिर है ये, जिसमें इतना सोने का प्रयोग हुआ है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सिर्फ 750 किलोग्राम सोने की छतरी लगी हुई है। इस महालक्ष्मी मंदिर में हर एक कलाकृति हाथों से बनाई गई है। इस मंदिर में उपस्थित माता महालक्ष्मी की मूर्ति ठोस सोने से बनी हुई 70 किलोग्राम की मूर्ति है। इस मंदिर को भक्तों के लिए 2007 में खोला गया था। रात के समय यहां भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि इस वक्त सोने से बने पूरे मंदिर को रोशनी से जगमगाया जाता है, जो एक अद्भुत नजारा है। इस महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर के निर्माण में 300 करोड़ से ज्यादा की राशि लागत में लाई गई है। मंदिर के अतिरिक्त और बाहरी सजावट में सोने का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। विश्व में किसी भी मंदिर में इतना सोना नहीं लगाया गया है। रात में जब इस मंदिर में प्रकाश किया जाता है, तब सोने की चमक देखते ही बनती है। मंदिर में जाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसा कि आप लुंगी, शॉर्ट्स, नाइटी, मिडी, बरमूडा पहनकर यहाँ नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।